मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपकी कॉस्टिंग जो बुक लगती है उससे है। इससे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि आरबीडी बुक से ले रहे हैं, और आज के जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो मटेरियल वेरियंस पे रहेंगे। तो मटेरियल वेरियंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। इसमें लिखा है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड शोज द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द मटेरियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ग्राउंड नट ऑयल। मूंगफली का तेल होता है ना, उसको ग्राउंड नट ऑयल बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम 1 kg किलोग्राम मूंगफली का तेल उत्पादन हेतु तो निम्न सूचनाएं हैं। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड नट 3 kg। 3 किलो यदि हम क्या लेते हैं, मूंगफली लेते हैं, तो उससे 1 किलो तेल निकलता है। प्राइस ऑफ ग्राउंड नट तो कितना रुपए है, 15 रुपीज पर केजी, 15 रुपए पर केजी से होता है। ये आपकी किसकी सूचनाएं थे, स्टैंडर्ड सूचनाएं थी। अब आगे लिखता है, एक्चुअल प्रोडक्शन डाटा फॉर अ मंथ आर। एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब वास्तव में क्या हुआ। देखो, हमेशा ये चीज आप लोगों को मैंने रूल्स में बताई थी, आप एक बार रूल्स जरूर देखें, इससे पहले का वीडियो रूल्स का बना रखा है। तो जो स्टैंडर्ड होता है वो 1 यूनिट के लिए या 1 kg के लिए दिया हुआ होता है ना। और जो एक्चुअल होता है वो क्या कहता है, देखो यहाँ पे वो कहता है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 1000 kg, 1000 kg मूंगफली का तेल निकाला गया। तो ये एस ओ है, सॉरी ए ओ है, क्या है, एक्चुअल आउटपुट, जबकि यहाँ पे 1 kg जो था वो क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट है। स्टैंडर्ड 1 के लिए दिया था, एक्चुअल किसके लिए दिया हुआ है, 1000 के लिए, ये ए ओ हो गया। क्वांटिटी यूज्ड, जिसको हम यहाँ पे 3 kg था ना, वो यहाँ पे कितना है, 3500 kg, ये हो गया आपका ए क्यू, क्या हो जाएगा, ए क्यू। और यहाँ पे ये जो 3 क्यू जो दे रखा है वो है आपका एस क्यू, ठीक है। अब आप देखो दोनों को कंपेयर कैसे करोगे, ये एस क्यू जो दे रखा है वो 3 kg के लिए दे रखा है, मतलब एक सॉरी 1 kg के लिए दे रखा है, जबकि यहाँ पे ये जो AQ दे रखा है वो 1000 kg के लिए दिया है। तो कंपेयर करने के लिए एस क्यू जो होता है ना, उसके ऊपर हमने स्टार लगाया था ना, वो इसी बात के लिए है कि हम इस एस क्यू को चेंज करेंगे। किसके अनुसार चेंज करेंगे, एक्चुअल आउटपुट के अनुसार चेंज करेंगे। तो वो फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। और प्राइस ये आपके AP हो गया, एक्चुअल प्राइस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस, 3 वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो सारी जो चीजें थी हमने मार्किंग कर ली, कौन सा क्या है कौन सा क्या है। अब सवाल को स्टार्ट करते हैं, देखें आगे। मेरे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ले रहे हैं, इसमें ऊपर हेडिंग लिख दो मटेरियल वेरिएंस। अब हमें इसमें जो दे रखा है उसको हम देखो इस तरह से लिखेंगे, एस क्यू SP, और यहाँ पे थोड़ा सा दूर पे AQ AP, और यहाँ पे बीच में टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब SQ कितना दे रखा था, 1 kg, SP कितना है, 15 रुपये, और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इसके हिसाब से देखें तो 15 रुपये। ए क्यू है आपका 3500, और AP कितना है, 20 रुपये, गुणा करने पर कितना होता है, 70,000, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, ये जो एक SQ लिखा है ना, वहां 3 kg करो, 3 kg। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखो, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा SO, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो आपका दे रखा है 1 kg, सही है ना। तो आउटपुट 1 kg है, उसके लिए आप जो क्वांटिटी लगाते हो इनपुट, वो 3 kg, इधर आपके 1000 kg। तो ये AO, एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया, 1000 kg, क्लियर। ये SO और AO हो गए, सारी चीजें आ गई। हमने क्वेश्चन को वापस लिखा है, क्या कह रहे हो,
हाँ यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। लिखना कैसे है समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? एस क्यू क्या है, एस ओ क्या है, सारी चीजें ये समझने की थी। अब हम पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एम सी वी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो एम सी वी का फॉर्मूला होता है एस क्यू स्टार गुणा एस पी माइनस ए क्यू गुणा ए क्यू। अब आप देखें एस क्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एस क्यू का नियम क्या है, एस क्यू फोर एक्चुअल आउटपुट। एस क्यू जो होता है वो आउटपुट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया। तो एस क्यू कैसे चेंज होगा, इसका फॉर्मूला होता है एस क्यू अपॉन एस ओ गुणा एओ। तो एस क्यू आपके कितना दे रखा है, 3 kg, कितने आउटपुट के लिए, 1 kg के लिए, यानी 1 kg के लिए 3 लगता है। तो 1000 आउटपुट के लिए कितना लगेगा, 3000, ये आपका आएगा, एस क्यू चेंज हो जाएगा। तो हर प्रश्न में, लगभग हर प्रश्न में ये चीज अपने को चेंज करनी पड़ेगी, एस क्यू बदलना पड़ेगा, और एस क्यू बदलने का ये जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू एस क्यू कितना हो गया, 3000 गुणा एस पी कितना है बेटा, 15, माइनस ए क्यू कितना है, 3500, और गुणा 20। अब इसमें आप आगे वाले हिस्से को पहले गुणा कर लो, कितना आता है, 45000 आता है, माइनस पीछे वाले को गुणा करना है, कितना आता है, 70000 आता है। आप घटाएंगे तो माइनस का आंसर आएगा, आएगा ना, तो माइनस का आंसर कितना आता है, हाँ बेटा 25000 आता है। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे, 25000 एडवर्स, माइनस को ए लिखते हैं, ठीक है, और इसे आप ऐसे बॉक्स में बंद कर सकते हो। ये आपका पहला आंसर हो गया, माइनस नहीं लिख के उसको क्या बोलते हैं, एडवर्स, यानी ये अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड के अनुसार जो लगना था उससे ज्यादा लगा है। कॉस्ट जो है हमारे हिसाब से इसकी कॉस्ट होती 45000, सही है ना, स्टैंडर्ड क्या कहता है, रूल के अनुसार, स्टैंडर्ड्स के अनुसार 45000 लगने चाहिए थे, लेकिन लगे कितने हैं, 70000। तो ये हमारे लिए फेवरेबल है या एडवर्स है, तो एडवर्स है ना, तो माइनस आएगा तो उसको एडवर्स लिखेंगे। अगर ये प्लस आता तो हम फेवरेबल एफ लिखते, फेवरेबल का मतलब हमारे लिए अच्छा है, ये तो अच्छा नहीं है, कॉस्ट बढ़ गई है। किस किस को समझ में आया, हाथों पे कर, कोई दिक्कत पैरों से। नेक्स्ट देखें, सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बच्चों एस पी, प्राइस है ना, तो प्राइस का डिफरेंस, वेरिएंस का मतलब डिफरेंस होता है, एस पी माइनस ए पी गुणा ए क्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो एस पी आपका है 15, माइनस ए पी 20 गुणा ए क्यू 3500। सॉल्व करें इसे, 17500 एडवर्स, माइनस करते हैं ना, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, आसान है। अब आता है थर्ड, तीसरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस एम यू वी। एम यू वी का फॉर्मूला होता है एस क्यू
माइनस ए क्यू गुणा एस पी, जब क्वांटिटी अंदर लिखते हैं तो बाहर एस पी होता है, और ये एस क्यू जो है उसके ऊपर स्टार ही लगा हुआ है, मतलब स्टार वाला ही लेते हैं यहाँ पे, है ना, हर बार वो ही लेंगे। तो फॉर्मूला यूज करें, एस क्यू कितना है 3000, माइनस ए क्यू कितना है 3500, गुणा एस पी कितना है 15 है क्या, 15। सॉल्व करें कितना आता है, हाँ बेटा 7500 क्या एडवर्स हो गया तीनों आंसर। अब आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी आपके आंसर सही है या गलत, इसकी जांच हो जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यानी वन पहले का आंसर दूसरे और तीसरे के योग के बराबर होगा। तो हमारा पहला आंसर आया था 25000 ए बराबर 17500 ए प्लस 7500 ए, तो दोनों तरफ आपके बराबर आएगा 25000 ए बराबर 25000। वेरिफिकेशन मैच कर जाएगा, इसका मतलब आपके सारे आंसर सही हैं। तो एग्जाम में इस सवाल के गलत होने की भी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वेरिफिकेशन से कोई भी गलती बाय चांस होती है ना, तो वो समझ में आ जाती है। गलती होती क्या है ये भी समझ लो, जैसे अभी ऊपर 15 से गुणा करानी थी, आपने 20 से कर दी यहाँ पे, है ना। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती हैं, तो वो गलती ये वेरिफिकेशन करती हमारे उस पता चल जाए, अच्छा यार आंसर नहीं आ रहा, मतलब ये गलती होगी, वो चेंज करते ही तुरंत पता चल जाता है। तो जनरली एग्जाम में ये गलत भी नहीं होता। ये तीन फॉर्मूले जब पूछे जाते हैं तो 8 मार्क्स का हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित विवरण से सामग्री लागत, सामग्री मूल्य और सामग्री मात्रा विचरणों की परिकलन कीजिए। वही सेम मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, प्राइस वेरियंस और यूसेज वेरियंस, तीन फॉर्मूले कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले दे रखा है मटेरियल परचेज, 750 केजी आपने परचेज किया और वो 2250 रुपए में किया। तो एक तो आप 2250 जो है उसमें भाग दो 750 का, रेट आ जाएगी कितना था, 3 रुपए, है ना, 3 रुपीज पर केजी। उसके बाद में ये था परचेज्ड, मतलब एक्चुअल है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी नीडेड फॉर अ यूनिट, एक के लिए कितना चाहिए आउटपुट, एक यूनिट यदि आपको आउटपुट करना हो तो 7.5 केजी चाहिए। तो ये 7.5 जो केजी हमने लिखा है ये आपका एस क्यू हो जाएगा, और अ यूनिट मतलब एक यूनिट, ये एस ओ जो है वो एक यूनिट हो जाएगा। मैंने आपसे ये अभी अब समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड जो होता है वो एक के लिए, 100 के लिए, 10 के लिए दिया हुआ होता है हमेशा, तो 1 केजी हो गया। दोनों चीजें आ गए। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल 2.5 रुपए, तो ये एस पी हो गए। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अब आगे क्या लिखता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल वॉज नील, ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था मटेरियल का, क्लोजिंग स्टॉक रिमेंड एट हैंड 125, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास वो कहता है कि था स्टॉक का, आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड वॉज 80 यूनिट, 80 यूनिट का उत्पादन किया गया, तो ये ए ओ हो गया एक्चुअल आउटपुट, लिखा है ना, आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड वॉज 80 यूनिट, तो ये एक्चुअल आउटपुट आपके इतना हो गया, कोई दिक्कत है बच्चों? अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एडजस्टमेंट अपने को सीखना है इस सवाल में, ये इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट, इसलिए स्टार लगा लो। देखते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप वही सेम चीज यहाँ पे लिखे, एस क्यू एस पी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ए क्यू ए पी टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ये दो चीजें है ना, ये अभी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो मैं बस आपको आदत का हिस्सा बनाने के लिए लिख लेता हूँ। अपने को तो ये 4 चीजें चाहिए होती हैं,
तो एस क्यू हमारे कितना दे रखा है बच्चों, 7.5 kg है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.5 kg, और प्राइस कितनी है 2.5। और यहाँ पे एक चीज और लिख दो, एस ओ वो है 1 kg। क्वेश्चन को ही लिख रहा हूं बच्चों, है ना, कोई नई चीज इसमें नहीं है। फिर इधर ए क्यू कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी उसने परचेज्ड कितनी करी है, 750। तो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिखो, ए क्यू का मतलब, ए क्यू मीन्स मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। इसका मतलब ये है कि मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इस प्रश्न में हमें लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक नील था, परचेज इसने 750 kg किया था, और क्लोजिंग स्टॉक इसका 125 kg था, 125। ये घटा दो कितना आता है, हाँ बच्चों, 750 में से 125 घटा दो, 625। ये जो 625 है ना, ये ए क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यू। समझ में आया बच्चों? और यहां पे देखो मैंने स्टार पॉइंट लिखा है, इसमें सारी बात आ गई। ए क्यू का मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, और मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 625 यहाँ पे लिखो, 625 kg, और प्राइस कितनी निकाली हमने इसकी, 3 रुपए, है ना। ये दो ही चीजें थी हमारे लिए, और इसमें आप देखो एक्चुअल आउटपुट कितना था, एओ एओ कितना है, प्रश्न में दिया हुआ है 80 यूनिट लिखा है ना, 80 kg। अब अपने सवाल की सारी चीजें आ गई बच्चों, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कह दिया इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो हम अपने आप ही कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये टेबल में सारी चीजें आ गई हैं, एस क्यू एस पी ए क्यू ए पी एस ओ एओ, 6 बातें हो गई, तो 3 फॉर्मूले सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व करें, सबसे पहला नंबर 1, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एम सी वी, तो इसका फॉर्मूला एस क्यू स्टार एस क्यू गुणा एस पी माइनस ए क्यू गुणा ए पी, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। एस क्यू चेंज करना है एस क्यू फोर एओ होता है, ये बात मैं 2-4 बार सवाल में लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगी, मतलब एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है। एस क्यू इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन एस ओ गुणा ए। तो एस क्यू कितना था, इसमें हमने लिखा है 7.5 kg अपॉन 1 × 80। एस ओ 1 था और ए ओ 80 था, गुणा करो कितना होता है, 600। तो लिखो यहाँ पे 600 kg। बस ये एक चीज कैलकुलेट करते ही अब हमारे सारे फॉर्मूले आसान हो जाएंगे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू हो गया 600 गुना एस पी है 3 माइनस ए क्यू है 625 गुना ए पी है 2.5। 2.5 है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, सॉरी, ये 2.5 है और ये 3 है, तो यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 3। सॉल्व करें इसे, कितना होता है, देखो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, पहले नीचे इसका कैलकुलेशन ले लो कितना आता है, 3। फाइनल आंसर बोल रहे होगा, नहीं इसका बताओ, 1500 पूरा पूरा 1500,
600 इंटू 2.5 माइनस 625 इंटू 3 1875। तो फाइनल आंसर कितना आता है? 375 एडवर्स लिखा है ना, ए माइनस आएगा तो एडवर्स लिखना है, ठीक है, आपका पहला आंसर होगा। समझ में आया बच्चों? अब दूसरा ले लेते हैं, मैथेरियल थ्राइस वेरियंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस ए पी गुणा ए क्यू। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एस पी था आपका, देखो ये रहा 2.5 माइनस 3 गुणा ए क्यू कितना है 625। सॉल्व करें इसे, माइनस में ही आएगा क्योंकि 3 बड़ा है ना, कितना 312.5 क्या एडवर्स, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तीसरा फॉर्मूला, थर्ड, मटेरियल यूसेज वेरियंस। तो इसका फॉर्मूला होता है एस क्यू माइनस ए क्यू गुणा एस पी। तो एस क्यू है कितना 600 माइनस 625 गुणा एस पी कितना है 2.5। सॉल्व करें कितना आता है 62.5 एडवर्स। वेरिफिकेशन चेक कर लो, इन दोनों की टोटल इसके बराबर है क्या? बराबर है ना, तो वेरीफाइड भी हो गया, ये आपका सवाल हो गया। वैसे आपको ये वेरिफिकेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये तो अपने लिए होता है कि वेरिफिकेशन कर लें। वेरिफिकेशन इज इक्वल टू 375 एडवर्स इज इक्वल टू इन दोनों की टोटल भी 375 एडवर्स। ये इतना ही है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, दोनों क्वेश्चन आज बेसिक क्वेश्चन हमने लिए।